आपके घर में लक्ष्मी नहीं आ रही है, मतलब पैसा नहीं आ रहा है, धन दौलत नहीं आ रहा है, बहुत कोशिश के बाद भी आर्थिक तंगी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, बहुत गरीबी आ गई है, कंगाली आ गई है, या फिर कर्जा बढ़ रहा है और आप लाख कोशिश के बाद भी पैसा का जुगाड़ नहीं कर पा रहे हैं, दुकान नहीं चल रही, व्यापार व्यवसाय नहीं चल रही है, नौकरी के लिए बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं पर नौकरी नहीं हो रही है, तो आप प्रदोष के दिन ये आसान सा उपाय करें। आप देखेंगे कि एक प्रदोष को जब आपने किया तो अगले प्रदोष तक आते आते आपकी बागडोर भगवान भोलेनाथ के हाथ में होगी और लक्ष्मी की वृद्धि शुरू हो जाएगी। आपके घर में अगर तरक्की नहीं हो रही है, धन नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा है, कार्य नहीं हो रहा है, कोई शुभ कार्य नहीं हो रहा है, तो शुभ कार्य होगा, तरक्की होगी, पैसा आना शुरू हो जाएगा। करना क्या है, प्रदोष के दिन आप 5 बेलपत्र लें, 5 बेलपत्र लेकर आप इस तरह से 5 बेलपत्र लें, एक बेलपत्र लें, उसके बाद उसमें पीला चंदन लगा दें। पीला चंदन बेलपत्र की में 3 पत्तियां होती है, तीनों पत्ते में बेलपत्र लगाना, 3 ये जो 3 पत्ती है, तीनों पत्ती में आपको पीला चंदन लगाना है इस तरह से, और एक बेलपत्र लें, उसमें भी आपको पीला चंदन लगाना है इस तरह से, आप 5 बेलपत्र लें, 4 में आपको पीला चंदन लगाना है, 4 बेलपत्र में आप पीला चंदन लगाएंगे और एक बेलपत्र को आप घी से अच्छे से लेपन करेंगे, चारों बेलपत्र में पीला चंदन से अच्छे से लेपन करना है और तीनों में करना है, 3 पत्ती में तीनों में अच्छे से लेपन करना है और एक बेलपत्र में अच्छे से घी से लेपन करना है। उसके बाद आप एक काम करें, पहले जो एक पीली चंदन वाली रखें, फिर दूसरी वाली पीली चंदन, फिर ये जो घी वाली होती है इसको बीच में रखें, 2 पीली चंदन वाली पत्तियों के बीच में एक घी वाली जो बेलपत्री है उसको रखें, इस तरह से आप रखें, 2 नीचे और 2 ऊपर पीली वाली बेलपत्ती है और बीच वाली जो है वो घी वाली है, अच्छे से समझ ले, कन्फ्यूज़न कोई ना रहे, फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सवाल का उत्तर अवश्य दूंगी। ये 2 में पीली चंदन होंगे और इसमें घी का लेपन होगा और इन दोनों में फिर पीली चंदन होगा और पीली चंदन के बाद बीच में घी वाला रहेगा, फिर ऊपर से 2 पीली चंदन। उसके बाद आप इसको क्या करना है, लेकर के आपको एक कटोरे में रख लेना है, एक कटोरे में आप उसको डाल दीजिए और आप अगर बिजनेस करते हैं, अगर आपका दुकान है या ऑफिस है, नहीं चल रहा है, व्यापार व्यवसाय की जगह है, तो आप वहाँ रख सकते हैं या फिर आप अपने घर में किचन में भी रख सकते हैं, व्यापार व्यवसाय वाली जगह में भी रख सकते हैं या घर के किचन में भी रख सकते हैं। रखने के बाद आपको एक घी का दिया प्रज्वलित करना है, आपको एक घी का दिया प्रज्वलित करना है और इस तरह से आप रखेंगे, सुबह रख दीजिएगा और एक घी का दिया प्रज्वलित कर दीजिएगा। माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा, माँ लक्ष्मी से, कि आपकी धन संपत्ति की जो कमी है वो ना हो, और इस तरह से आप एक कटोरे में रख दीजिए। उसके बाद कटोरे में रखने के बाद आप एक दिया घी का अवश्य जलाएं और उसके बाद इन बेलपत्र को शाम के समय प्रदोष काल में, जब शाम प्रदोष काल कब होता है, सूर्य डूबने के 45 मिनट पहले से सूर्य डूबने के 45 मिनट के बाद का जो समय होता है वह प्रदोष काल होता है, तो आपको इन जो बेलपत्र है 5, इन बेलपत्र को प्रदोष काल में जाकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। ध्यान रखें, इस तरह से आप पकड़ के शिवलिंग पर, अशोक सुंदरी वाली जगह पे नहीं, शिवलिंग पर इस तरह से आपको समर्पित करना है और भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोले बाबा, आप मेरी
बागडोर संभाल लो, हमें कोई कमी ना रहे। लक्ष्मी दीन दुनी रात चौगुनी बढ़े, तरक्की हो धन दौलत की कोई कमी ना हो। ऐसा आप एक प्रदोष जब करेंगे, फिर आप देखेंगे कि अगली प्रदोष आते आते आपकी धन की वृद्धि होनी शुरू हो गई है। पर ऐसा आपको 5 प्रदोष तक करना है, क्योंकि किसी किसी की फाइल थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है। जैसे हमारा जो पिछला कर्म होता है और उसकी वजह से हमें बहुत कोशिश के बाद भी फल नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए अगर हमारी फाइल थोड़ी मोटी भी होगी तो वो 5 प्रदोष जब आप ऐसा करेंगे, 1 महीने में 2 प्रदोष आती है, तो 5 प्रदोष जब आप ये वाला उपाय करेंगे तो आप देखेंगे कि निश्चित ही आप धनवान बन गए हैं। जब आप शुरू करेंगे वो प्रदोष से लेके जब आप खत्म करेंगे वह प्रदोष तक, आप स्वयं देखेंगे कि क्या आपको लाभ हुआ है या नहीं। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, ना तो आपको इसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है, ना तो आपको ज़्यादा इसमें कोई कीमत चुकानी पड़ रही है, केवल विश्वास और श्रद्धा। जब आप इस उपाय को भक्ति भाव से करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि भगवान भोलेनाथ आपको कुबेर का खजाना अवश्य प्रदान करेंगे। कुबेर का भंडार कुबेर भंडारी अवश्य भरेंगे। तो ऐसे ही सुंदर और आसान से उपाय पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।